हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रेडिंग लैब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल के लिए यानी 28 जून के लिए आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स जो है वॉच लिस्ट में होने चाहिए। देखिए, जो भी मैं आपसे वॉच लिस्ट शेयर करता हूँ वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाली होती है और उसके पीछे कोई ना कोई बुलिश या बियरिश जो है वो जिस भी स्टॉक के अंदर कोई सेंटिमेंट्स जो है बहुत एक अच्छा रोल प्ले कर रहे होते हैं और वहाँ पे कोई अच्छा ब्रेकआउट दिखता है मुझे या फिर मुझे कोई एक अच्छा प्रोबेबिलिटी दिखती है, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। और जैसा कि आपने देखा होगा कि काफ़ी जो स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छी मूव्स मॉर्निंग में देते हैं और आप सबको फ़ायदा हो रहा है, मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं आपके। और दोस्तों, इससे पहले अगर आपने ट्रेडिंग लैब का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इंट्राडे की कॉल्स दी जाती है, जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे। अभी आज आपको BEML जो है 934 पे लॉन्ग दिया गया था और 934 के बाद जो है देखिए 951-52 का इसने हाई बनाया विद इन जो है देखिए 10 मिनट के अंदर। 934 से 952, 2 से 3% की मूव आपको यहाँ पे दी गई और हाई प्रोबेबिलिटी वाली मूव आपको यहाँ पे शेयर की गई दोस्तों। ये आपको वॉच लिस्ट के ट्रेड दिए जाते हैं, मैं यहाँ डायरेक्शन आपको बता देता हूँ। आपको अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री लेनी है। कुछ लोग इसमें स्कैल्पिंग करते हैं कि देखिए 4 से 5 पॉइंट एक स्टॉक में मिल जाए, वो बहुत होते हैं। और हाई पोजिशन साइज के साथ अगर आप कर रहे हैं 2 से 3 हज़ार स्टॉक से और रिलीजियसली आप उसको लॉसेस को बड़ा नहीं होने दे रहे, और स्कैल्पिंग में स्कैल्पिंग का रूल ये होता है कि आप 2 से 3 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, 2 से 3 और 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार स्टॉक्स लिए आपने और 2 से 3 पॉइंट मिले, 15-20 हज़ार रुपये अंदर करके आप सीधा जो है पूरा दिन के लिए निफराम होके बैठ जाते हैं। और लेकिन इसका स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा कैच ये है कि जहां आप स्टॉक आपके अगेंस्ट थोड़ा जाने लगता है तो स्कैल्पिंग में आप वहां से निकल जाते हैं। तो मोमेंटम वाले ट्रेड्स को ऐसे किया जाता है। और जो ट्रेंड वाले होते हैं, ट्रेंड वालों की मैंने आपको सब सारी चीज़ें मैंने आपको अपने वीडियोस में शेयर किया, आप चाहें तो दोस्तों यहां पे मेरे वीडियोस वॉच कर सकते हैं और इनमें मैंने आपसे सारे जो सीक्रेट्स होते हैं मार्केट के वो सारे शेयर किए हैं। एक एक वीडियो यहां पे मैंने जेम के रूप में, एक हिडन जेम के रूप में आपको यहां पेश किया है। तो अगर दोस्तों आप टेलीग्राम का ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, यहां पे जो वॉच लिस्ट मैंने आपसे शेयर की है उसमें सबसे पहला स्टॉक वॉकहार्ड फार्मा है। फिर से वॉकहार्ड फार्मा, आप कहेंगे क्यों? देखिए, इसमें जो है इसके अंदर वॉकहार्ट फार्मा के अंदर जो रिवर्सल आया था वो रिवर्सल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ रीज़न क्या है इसका, और ये बहुत ही अच्छा ट्रेड आपको मैं दे रहा हूँ कल के लिए। देखिए, ये अपनी ट्रेंड लाइन पे है दोस्तों। यहाँ पे यहाँ आप देखेंगे तो ये अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर है और ये बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन इसकी चल रही है। देखिए कितनी बड़ी ट्रेंड लाइन है ये, मैं इसको बंद करे जा रहा हूँ। देखिए कितनी बड़ी ट्रेंड लाइन है, कितने टच पॉइंट्स इसके ऊपर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। और यहाँ पे देखिए ये वापस जो है रिट्रेस करा था 5 दिन लगातार और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखिए इसने वापस एक बियरिश साइन बनाया है। और ये देखिए ये वाला बियरिश साइन आप जो है इसको देखिए, ये पैटर्न अगर नहीं देखेंगे और इसके सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसमें क्या हुआ कि जब भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है तो ये अगले दिन एक बियरिश कैंडल देता है। और कल भी इसकी प्रॉबेबिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा है कि ये एक बियरिश कैंडल दे और वो बियरिश कैंडल एटलीस्ट आपको 300 रुपये के स्टॉक में 10 पॉइंट दे सकती है। यानी 376 है, 366, ये कल आ सकता है। और बहुत ही देखिए कितना मैं इसको पॉप आउट कर देता हूँ और पॉप आउट करके आपको दिखाता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा ट्रेड है दोस्तों। आप ये देखिए ट्रेंड लाइन इसकी कितनी ज़बरदस्त है। जब भी ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है और यहाँ से नीचे की तरफ पुश करता है, जब भी ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, अब देखिए परफेक्ट जो है ये आज इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आया हुआ है और कल इसके अंदर बेयरिश कैंडल बनने की प्रॉबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो स्टॉक दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ वो हमारा ऑल टाइम फेवरेट DHFL ही है। DHFL क्यों है दोस्तों? क्योंकि देखिए इसके अंदर जो है ना, अब ये ऊपर जाने की तैयारी पूरी कर ली है इसने, क्योंकि देखिए यहाँ से रिवर्सल, यहाँ से इसमें बहुत ही बढ़िया रिवर्सल आया और इसकी न्यूज़ भी पॉजिटिव आई थी। मेरे को न्यूज़ एग्जैक्टली याद नहीं आ रही क्योंकि दोस्तों मैं इतना कुछ रीड करता हूँ डेली कि मेरे को कई बार होता है कि भूल जाते हैं। इसमें DHFL में क्योंकि एक न्यूज़ भी पॉजिटिव आई है कोई, और ये वापस रिवर्सल लिया और यहाँ पे देखिए कंटिन्यूशन टाइप का पैटर्न बन रहा है। कंटिन्यूशन क्यों है? क्योंकि इस कैंडल को ये
कैंडल के नीचे क्लोजिंग आज दे ही नहीं पाया और यहाँ पे एक डोजी टाइप बनाया है, तो ये एक निशानी है कि हाँ ये यहाँ सस्टेन कर रहा है और ये एक बुलिश कैंडल दे सकता है। मे बी कल डोजी बने और मंडे को एक बुलिश कैंडल दे, लेकिन आप जैसा भी इंट्राडे में आपको इसका ट्रेंड एक बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तीसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो फिर BEML ही है। BEML क्यों है इसका भी रीज़न देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए BEML में क्या हुआ कि इसने काफ़ी अच्छा रिवर्सल लिया और काफ़ी अच्छा रिवर्सल लेने के बाद आज जो है इसमें एक ये ग्रेव स्टोन डोजी टाइप का बना है। इसके पीछे के सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश कीजिए कि बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश कर ली लेकिन रिजेक्शन बहुत अच्छे तरीके से मिली और क्लोजिंग जो है बहुत लो के आसपास मिली और बहुत शार्प, बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन मिला हाई वॉल्यूम्स के साथ। वॉल्यूम्स आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ, यानी देखिए एवरेज जो वॉल्यूम चल रही थी 3.38 मिलियन चल रही थी और डबल द वॉल्यूम यानी 7.17 मिलियन के आसपास जो है वॉल्यूम से इसको रिजेक्शन मिला। तो कल प्रॉबेबिलिटी है कि एक बियरिश कैंडल यहाँ पर बन सकती है। प्रॉबेबिलिटी है दोस्तों, आपको प्रॉबेबिलिटीज़ असेस करना आना चाहिए, बाकी सब मार्केट पर छोड़ देना चाहिए। आपको ये नहीं ना कि आप श्योर शॉट, मार्केट में कुछ भी नहीं होता। आप इतने टाइम इतने समय से मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा कि मार्केट में श्योर शॉट कुछ भी नहीं है, मार्केट में हर चीज़ प्रोबेबिलिटी है। और देखिए कितना ब्यूटीफुल, कितना कि एक बड़ा रन दिया इसको, आप ऐसे देखिए, देखिए कितना इसने बड़ा रन ऊपर की तरफ दिया और यहाँ पे ये एक शॉर्ट टर्म जो है स्विंग ले रहा है नीचे की तरफ, शॉर्ट टर्म स्विंग लेगा यहाँ से। उसके बाद जो है स्टॉक है सीमेंस, दोस्तों सीमेंस सॉफ्टवेयर का स्टॉक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का स्टॉक है और यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका भी रीज़न बताता हूँ। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के स्टॉक्स मैं आपको देता हूँ दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी मूव दी और उसके बाद देखिए ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, ये नीचे जाने को तैयार ही नहीं हुआ, नीचे इस फ्लैग पैटर्न को तोड़ के नीचे गया लेकिन वापस इस रेंज के अंदर वापस आ गया। और देखिए आज जो है इसने एक बड़ी हाई वॉल्यूम, पिछले 10 वॉल्यूम्स को कंपेयर करें तो उसका ऑलमोस्ट डबल ही है। पिछले 10 जो वॉल्यूम से उसका एवरेज निकालोगे तो यहाँ कहीं आएगा, उसकी डबल वॉल्यूम से इसने एक बुलिश कैंडल दिया है। हालांकि मैं कहूँगा कि अभी ब्रेकआउट नहीं आया है लेकिन कल प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है कि इसके अंदर अगर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट कर जाए तो इसके अंदर एक ग्रीन कैंडल आपको पूरी मिल जाएगी। और सुबह एक और जो चीज़ ऑब्जर्व करना कि सुबह इसकी वॉल्यूम्स कैसी जाती हैं और सुबह इसका ट्रेंड जो है वो कितना कितना ब्यूटीफुली बनता है। दोस्तों सारी चीज़ें ट्रेंड पे ही निर्भर करती हैं कि ट्रेंड देखना अगर आपको आ गया किसी स्टॉक में तो आप जो है मार्केट में लॉन्ग टर्म पक्के खिलाड़ी बन जाएंगे। अगर ट्रेंड देखना नहीं आया तो आप जो है स्ट्रगल करते रहेंगे, कभी इस स्ट्रेटेजी को पकड़ेंगे, कभी उस स्ट्रेटेजी को पकड़ेंगे, कभी ये वाला चैनल फॉलो करेंगे, कभी वो वाला चैनल। मैं चाहता हूं कि आप जो है फुल फुल प्रूफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर बने। मैं चाहता हूँ कि आप जो है खुद एनालाइज करना सीखे स्टॉक्स को और खुद ये कॉल्स जनरेट करना सीखे जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये चैनल आपकी लर्निंग के लिए है दोस्तों, ट्रेडिंग लैब चैनल, और इसमें जो भी आपसे शेयर किया जाता है ये बहुत ही प्रीमियम नॉलेज है और मैं जो है बहुत ही फ्रीली आपको अवेलेबल करा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों ये चारों स्टॉक्स हैं, पहला वॉकआउट फार्मा है, दूसरा DHFL है, तीसरा BEML है, चौथा सीमेंस है। इनको नोट कर लीजिए, इनके पीछे के मैंने रीजंस भी आपको समझाए हैं और कल देखते हैं कि कल जो है इनमें से क्या क्या चीज़ें चलती हैं और कैसे कैसे स्टॉक्स जो है सुबह बिहेव करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहीं पे मैं वाइंड अप करूंगा। चैनल अच्छा लगा है तो ज़रूर यहाँ पे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। और टेलीग्राम चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक करके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपकी लर्निंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस फ्री चैनल के माध्यम से जो है एक एक ज्ञान जो है स्टॉक मार्केट का ज्ञान जो है वो लेने का चांस मिले दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।